जिले में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए गहमा गहमी के बीच गुरुवार को सभी 20 ब्लॉकों पर नामांकन पत्र दाखिल हुए। नामांकन के बाद 20 में से 14 ब्लॉकों में भाजपा प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। शुक्रवार की शाम उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र भी प्रदान कर दिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि खोराबार में भी भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध विजयी घोषित हो जाएंगे। यहां एक और प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया है। 5 ब्लॉकों में एक से अधिक प्रत्याशियों के मैदान में रहने की संभावना है, वहां मतदान कराना पड़ सकता है। चरगावा भटहट में गहमा गहमी के माहौल के बीच केवल भाजपा प्रत्याशियों ने ही पर्चा दाखिल किया। दूसरे प्रत्याशी भी पर्चा दाखिल करने आए थे, लेकिन उन्होंने पर्चा दाखिल नहीं किया। वहीं चरगावा ब्लॉक पर भाजपा प्रत्याशी पर हमले का आरोप है। वहां की प्रत्याशी वंदना सिंह के पति ने दूसरे पक्ष द्वारा मारपीट का आरोप लगाया है। पाली ब्लॉक पर भी भाजपा प्रत्याशी एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह के पुत्र शशि प्रताप सिंह ने ही नामांकन दाखिल किया, उनका भी निर्विरोध चुना जाना तय है। पिपरौली ब्लॉक में कालेश्वर के पूर्व प्रधान एवं भाजपा प्रत्याशी दिलीप कुमार यादव ने नामांकन किया है। इस ब्लॉक में पर्चा दाखिल करने वाले वह इकलौते प्रत्याशी रहे, उनका भी निर्विरोध निर्वाचन तय है। इसी तरह सरदार नगर में पूर्व प्रमुख एवं भाजपा प्रत्याशी शशिकला यादव, कैंपियरगंज में भाजपा प्रत्याशी अश्विनी जायसवाल, ब्रह्मपुर में भाजपा की सुमन यादव के सामने कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। नवसृजित भरोहिया ब्लॉक में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुनीता सिंह का निर्विरोध प्रथम ब्लॉक प्रमुख बनना भी तय हो गया है। बांसगांव में भाजपा प्रत्याशी लालमती देवी, पिपराइस में भाजपा के जनार्दन जायसवाल, भटहट में भाजपा प्रत्याशी एवं उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण निगम के उपाध्यक्ष की बहू रेखा सिंह का भी निर्विरोध निर्वाचन तय हो चुका है। घघा में भाजपा के शिवाजी चंद, कौड़ीराम में भाजपा प्रत्याशी एवं गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह की पत्नी नीता सिंह एक बार फिर ब्लॉक प्रमुख बन सकेंगी। जंगल कौड़िया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश यादव के सामने भी कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उनका भी निर्विरोध चुना जाना तय है। चरगावा में भाजपा प्रत्याशी वंदना सिंह एवं गोला में कुसमावती देवी का निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। खोराबार में भी नामांकन के दौरान माहौल गर्म रहा। यहाँ भाजपा प्रत्याशी शिव प्रसाद जायसवाल के अलावा रमावती देवी ने भी नामांकन किया। जिले के 5 ब्लॉकों बेलघाट, उर्वा, खजनी, बड़हलगंज व सहजनवा में चुनाव हो सकता है। बेलघाट में भाजपा प्रत्याशी पूजा सिंह के साथ ही शालिनी सिंह, प्रीति शाही एवं शकुंतला देवी ने भी नामांकन किया। चारों प्रत्याशियों का पर्चा वैध पाया गया है। इसी तरह सहजनवा में भी भाजपा के कवलदीप, सपा समर्थित सभाजीत, निर्दल रेखा व कोयल ने भी नामांकन किया है, यहां भी मतदान की संभावना है। खजनी में भाजपा प्रत्याशी अंशु सिंह के अलावा रंजना सिंह एवं कमलावती की ओर से भी नामांकन किया गया है। उर्वा में भाजपा प्रत्याशी एवं खजनी विधायक संत प्रसाद की पुत्रवधु शांति देवी एवं प्रभावती देवी ने नामांकन किया है, यहां भी मतदान तय माना जा रहा है। बड़हलगंज में भाजपा प्रत्याशी राजीव पांडे के साथ ही रामाशीष राय एवं श्रीनाथ तिवारी की पत्नी सुनीता तिवारी ने भी नामांकन किया है। फिलहाल खजनी ब्लॉक पर भाजपा प्रत्याशी अंशु सिंह ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया और उम्मीद है कि शुक्रवार को नाम वापसी के बाद अंशु सिंह भी निर्विरोध विजयी ब्लॉक प्रमुख घोषित कर दी जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए खजनी के आरओ और चरगावा ब्लॉक के प्रमुख प्रत्याशी वंदना सिंह के पति रणधीर सिंह उर्फ मुन्ना ने कहा, वो मोबाइल नंबर चाहिए, नोट करिए। 95 छत वाले कहाँ गए? हम नहीं करेंगे, हम हमारे साथ अपने उत्तर से बाहर जाएंगे।
परेशान मत करिए, नामांकन चल रहा है, 11 बजे से 3 बजे तक होना है नामांकन। पहला पर्चा दाखिल हो चुका है और दो पर्चे कल बिते थे, जिसमें से दूसरा पर्चा देखते हैं दाखिल होता है कि नहीं होता। कितने पर्चे होने हैं? चार चार सेट, मतलब दो कैंडिडेट ने चार चार के सेट लिए हुए हैं, ठीक है, तो तीन सेट का आज दाखिल होगा। बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, कोई भी गाड़ी अंदर अलाउड नहीं है। रणविजय सिंह मुन्ना, मेरी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं वंदना सिंह, उन्हीं का हम लोग पर्चा दाखिल कराने आए हैं। तो पहले से यहाँ पर रामाश्रय निषादपुर प्रमुख और सुनील पासवान, रामवृक्ष यादव और रामाश्रय निषाद के लड़के अपने कम से कम 500 समर्थकों के साथ थे, जो सभी सफाई थे और भाजपा का वो गमछा लगाए हुए थे। फिर हम लोग समझ नहीं पाए कि एक कार्यकर्ता है, जब हमारी पत्नी गाड़ी सुतनी है पर्चा दाखिला करने के लिए, तब तक वो लोग गाड़ी से खींच लिए हम लोगों को। किसी तरह प्रशासन हमारी पत्नी को अंदर कराया है, उसके बाद हमारी पूरी गाड़ी को तोड़ डाले हैं, चार चार पांच पांच गाड़ियों को तोड़ डाले हैं, हमको मारे हैं और हमारे साथ दर्जनों लोग, हमारे साथ के दर्जनों लोग छुटे हुए हैं।